कहानी है, मैं बचपन से देखे आ रहा था। आई बिलोंग्स टू दिस कल्चर, दिस रिचुअल्स। मेरा घर में हम मानते हैं, सो वी वर्शिप दिस गॉड। सो वो एक हमारा गांव का एक फोकलोर को लेके आके एक फिल्म किया। मैं लाइफ में कभी सोचा नहीं था इधर तक लेके आएगा वो एक कांतारा फिल्म। सो आई ऑलवेज थैंक्स टू कांतारा। फिल्म को डायरेक्ट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर फिल्म को डायरेक्ट करना और उसमें एक्ट भी करना, मतलब बहुत कुछ किया आपने। कैसा था वो एक्सपीरियंस आपके लिए? क्योंकि डायरेक्शन इज अ वेरी बिग एंड वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिगिन विद एंड टू आल्सो एक्ट इन इट। एक्चुअली मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इसलिए कर सका। तो कहानी कैसे एग्जीक्यूट करो, कैसे शूट करो, ये विजन को मैं कैसे स्क्रिप्ट लेके आया। एक दिन मैं बैठ के सोचा कैसे करो करके, शायद ये फिल्म नहीं कर सकता था, मैं ज़्यादा सोचता नहीं। तो ये फिल्म जैसा नहीं किया था मैंने, एक्चुअली एक बैटल, एक वॉर जैसा किया था। दो शोल्डर डिसलोकेट हो गए थे एक्शन सीक्वेंस में, पूरे फिल्म में मैं बिना डूब के एक्शन सीक्वेंसेस किया था। तो बहुत सारे लोग गाली दे रहे थे मुझे, क्यों ऐसा कर रहा है करके, तो मुझे भी पता नहीं था, कर दिया बस। कभी कभी बहुत बढ़िया चीज़ें, बहुत ग्रेट चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो फिल्म तो होता है ना, मतलब हम कर नहीं सकते, तो वी कैन बी अ रीजन दैट्स इट। राइट, नाउ अ लिटिल बिट अबाउट इफी, व्हाई यहाँ आकर, आपको कैसा लगा, आपके एक्सपीरियंस कैसे रही यहाँ पे गोवा में? इतना बड़ा फेस्टिवल में पहली बार हूँ। तो पहले मैं बैंगलोर इंटरनेशनल फेस्टिवल में मैं भी वॉलंटियर जैसा काम कर रहा था। सो आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ऑल। सो बहुत सारे फिल्म मेकर्स को ऐसा फिल्म फेस्टिवल नए लोगों को इंस्पायर होता है, तो अभी मेरा जर्नी भी ऐसा ही है। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं वर्ल्ड सिनेमा देखने के लिए। पहले हम लोग इंडस्ट्री एंटर होते थे तो हमको वर्ल्ड सिनेमा सिर्फ फेस्टिवल में देखने मिलते थे। सो हम लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होते थे उस समय। सो दिस इज लाइक अ नॉस्टैल्जिक फॉर मी। नाउ यू आर कमिंग इन अ डिफरेंट कैपेसिटी ऑल टुगेदर। लास्ट ईयर आया था मैं, एक्चुअली गोवा में चार बार आया हूँ, तो उसमें दो बार फिल्म का शूटिंग के लिए, ऐसे घूमने नहीं आया मैं, ठीक है। तो मेरा शूटिंग के लिए आया था, दो बार इफी के लिए आया हूँ। तो गोवा वाले सब मतलब आपके हर शब्द के इंतजार में हैं, तो ये बताइए गोवा में आकर आपको कैसा लगता है, गोवा कितना पसंद है? बहुत अच्छा लगता है। बाय रोड इट्स टेक्स 4 आवर्स फॉर मी। मैं बाजू वाला हूँ, गुंदापुर का हूँ। तो एंड गोवा एंड कर्नाटका एंड स्पेशली कोस्टल कर्नाटका विच आई हैव शोन इन दिस फिल्म दैवाराधन एंड एवरीथिंग। आई थिंक गोवा में भी ऐसा बहुत सारे रिचुअल्स सिमिलर है, प्रकार अलग है, तो we are connected in that way. Yeah. Indeed. Neighbors, brotherly love. And I'm a huge fan of our own CM. Professor, बहुत खुश होता है। पॉलिटिशियन हो, एक जननायक हो, आप जैसा होना चाहिए। So, बहुत admire. ओके ऋषभ, हम सब तक कांतारा चैप्टर 1 की खबर पहुंच चुकी है एंड द फर्स्ट लुक टीजर पोस्टर ऑफ द फिल्म इज बजिंग। सो व्हाई डोंट यू टेल एवरीबॉडी अबाउट दिस प्रीक्वल। ये प्रीक्वल है ना? हाँ, प्रीक्वल है। तो शुरू में हम लोग, मेरा पहला फिल्म करना समय में, अगर कोई मीडिया एक कैमरा एक माइक दिया तो इतने सारे बात करते थे। थोड़ा हिट हो गया तो सेकंड फिल्म और ज़्यादा हिट हो गया, थोड़ा बात कम किए तो तीसरी फिल्म, एक चिल्ड्रन फिल्म किया मैं, नेशनल अवार्ड भी मिला, वो ब्लॉकबस्टर भी हो गया, और थोड़ा बात कम किया मैं। तो ये अचानक कांतारा ज़्यादा बहुत बड़ा हिट हो गया, मतलब पैन इंडिया बन गया, खुद मैंने कुछ नहीं किया। तो इस बार मैं सोचता हूँ ज़्यादा बात नहीं करते। तो ये लॉजिक मैंने पहले किसी फिल्म वाले नहीं, अभी क्या होना कहना, अभी सिनेमा के और हमारे काम से ज़्यादा हम लोग बात करते हैं। सो आई थॉट नहीं, हमारा पोस्टर में क्या दिखा है, चलो लोग बात करना अच्छा रहेगा, तो हम सबको दिखा दें। हाँ, तो डेफिनेटली।
दिखा दे? ठीक है। ओके दिखाते। लास्ट हमारे कनाडा इंडस्ट्री में आई थिंक इफी का पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड था, फर्स्ट अवार्ड वॉज शंकर नाग सर, सो ही इज सच एन इंस्पिरेशन फॉर अस, सो ही इज नो मोर, लेकिन सिनेमा के रूप में हमारे साथ है, सो अभी आई एम द सेकेंड पर्सन, सो इफी में एक अवार्ड मिल रहा है, थैंक यू सो मच जूरी को, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, एंड इतना अच्छे से कांतारा को प्रमोट किया आप लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हम मानते हैं ये और भी बड़ा सक्सेस होगा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़।